एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें तो आप परेशान हैं क्या? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप शायद अपनी परेशानी मुझसे शेयर ना करना चाह रहे हो, लेकिन डैड आप लोगों को बहुत चाहते हैं, इट्स रियली फॉन्ड ऑफ यू। अगर आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर करें, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं अफनान, दरअसल बात यह है कि मैं और मेरा पूरा खानदान जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसका हल किसी के पास नहीं है। आप शेयर तो कीजिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो क्या बताऊं मैं, अब वक्त गुजर गया है, बारात नहीं आई। बारात नहीं आई? बारात नहीं आई मतलब ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं है, ये जुल्म है। अचानक पता लगा उनके लड़के को हमारी लड़की से शादी नहीं करनी। I'm really sorry, लेकिन ये धोखा दिया उन्होंने आप लोगों को। आप लोगों को चाहिए आप लोग एक्शन लें उनके खिलाफ, और उसमें मेरी कोई मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा। सही कहा आपने, धोखा तो दिया, बहुत बहुत बड़ा धोखा दिया। अल्लाह बेहतर करेगा, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। दे दिए पैसे? हाँ दे दिए पैसे? हाँ दे दिए। क्या बात है अफनान, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन थी, अजीब सा माहौल था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है। तुम खुद सोचो ना, वो लोग धोखेबाज निकले जिनसे शादी हो रही थी। अब एक मिडिल क्लास बाप ने इतनी महंगाई के दौर में ये सब अपनी बेटी के लिए किया, न जाने किस चीज से गुजर रहे होंगे वो। लेकिन तुमने तो पैसे दे दिए ना, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये पैसे तो दे दिए हैं, वो इशू नहीं है, बस यही सोच रहा था कि वो बेचारी लड़की, उसकी बारात नहीं आई, उस पर क्या बीत रही होगी। एक तो अफ़तान, खिदमते खल्क के मामले में तुम मामू जान से कम नहीं हो।
पूरी दुनिया की टेंशन सर पे लेकर घूमना चाहते हैं। छोड़ो ना इन बातों को। नहीं अलीज़े, बात ये नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि जो लोग बेकसूर हैं उन्हें सजा क्यों मिल रही है और जो असल में कसूरवार हैं वो आजाद घूम रहे होंगे कहीं। किन बातों में लग गए हम अफनान, हमें अपनी बात करनी चाहिए ना। जब से बाहर निकले दूसरों की परेशानियां उठाए अपने सर पे घूम रहे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें अपनी बात करनी चाहिए। तो फिर बताओ इरादा क्या है? मैं तो कहता हूँ भाग के निकाह कर लेते हैं, रुखसती बाद में करते रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करके ही फंस गई, भाग कर निकाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। सही, यही प्रॉब्लम है मेरी, हर वक्त तुम्हें लेकर इनसिक्योर रहता हूँ। डर लगता है कि न जाने कब अलीज़े मुझे छोड़ कर कहीं भाग जाएगी और मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ अकेला रह जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? खुद से ज्यादा यकीन है तुम। मैंने तो दो चार दिन के लिए अपना फोन बंद कर दिया है, तुम भी बंद कर दो वरना लोग सवाल कर करके दिमाग खराब कर देंगे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जाहिर है जो कुछ हुआ है उस पे लोग सवाल तो करेंगे। कुछ भी था, नबील की अम्मी को इस तरह खानदान भर के लोगों के सामने शोर नहीं मचाना चाहिए था। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी ना तो वो साजिद भाई और भाभी से अलग बैठ के बात करती। नबील की अम्मी को क्यों कोस रही हो? उनका क्या कसूर? असल तमाशा लगाया इस रमशा ने। मैंने भाई साहब से कहा था मत रखे इस लड़की को वापस, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। पहले मोहल्लेदार बातें करते थे, अब रिश्तेदार बातें करेंगे। हमारी रही सही इज्जत खाक में मिल गई। अभी खाने का क्या करना है, इतना सारा बचा है। मुझे क्या पता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बांट दो खाना लोगों में, कम से कम खराब होने से बेहतर है कि कोई खा लेगा। मैं किस मुंह से बांटने जाऊंगा खाना? लोग क्या कहेंगे? खुद तो उसकी कोई इज्जत नहीं बची, हमें भी साथ रोल दिया उसने। ऐसा करो ये खाना उठवाओ और यतीम खाने में देख के आओ। कम से कम खराब होने से बेहतर है कोई खा ले। जाओ।